चार मूलांक का जो स्वामी होता है वो होता है यूरेनस यानी कि केतु। तो पूरा जो वर्ष है ये प्रभावित रहेगा केतु से। बिल्कुल, लेकिन केतु अक्सर कहा जाता है कि राहु केतु अच्छे ग्रह नहीं होते, तो क्या कुछ क्या उम्मीद की जाए नए साल में, कुछ अच्छा रहेगा ये साल या केतु का प्रभाव जो है वो कैसा रहेगा? नहीं, केतु का प्रभाव नेगेटिव बिल्कुल नहीं माना जाएगा। उसका प्रभाव काफी हद तक सूर्य की तरह ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा फोर्स और ऐड करना होता है। केतु डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ वो ये आप ताकत तरक्की जैसे आप आपका जो अपवर्ड मोबिलिटी है आपकी ग्रोथ उन सबको रिप्रेजेंट करता है केतु। बिल्कुल, तो केतु यानी कि बुरा ग्रह नहीं है, बुरा ग्रह नहीं है। तो 2011 जो है वो केतु के प्रभाव में रहेगा पूरा का पूरा साल। तो अगर हम ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से बात करें या इकोनॉमी के लिहाज से बात करें तो कैसा रहेगा? देखिए, जहां तक हम इकोनॉमी की बात करें तो मैं ये कहूंगी कि इसका प्रभाव बहुत ही डिफरेंट तरीके से पड़ने वाला है। जो विकासशील देश है वो काफी डिफरेंट तरीके से इसको व्यू कर सकते हैं कि जो रिच है, जो अमीर है, वो और ज्यादा अमीर होते जाएंगे, और जो लोग इस समय जो गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं या जिनको हम पुअर कहेंगे वो और भी ज्यादा पुअर होते नजर आ रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि द रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर, और वो लोग जो कि गरीबों के में जो जिनकी काउंटिंग होती है उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आती है एक्सपोनेंशियली इस वर्ष। तो यानी कि जिसके पास जो है उसमें वृद्धि होगी ये कह सकते हैं, या जो अमीर है तो उसके पैसे में वृद्धि होगी, मतलब जिनके पास लक्ष्मी आ रही है उनके पास और आती जाएगी, और जिनके पास बिकॉज क्योंकि इस साल महंगाई का प्रभाव भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि यूरेनस हर्डल्स लेकर आता है, अलग अलग तरह के हर्डल्स लेकर आता है, तो वो प्रभाव देखा जाएगा जिसकी वजह से जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी तरक्की में बाधाएं आ सकती हैं। बिल्कुल, और अगर समाज के लिहाज से बात करें, सोसाइटी के लिहाज से बात करें, तो क्या शांति का दौर रहेगा पूरे साल में, कुछ उथल पुथल हो सकती है? देखिए, अगर इसकी बात करें तो लोगों का जो झुकाव है वो धर्म के प्रति काफी ज्यादा बढ़ेगा, लोग काफी रिलीजियस होते हुए नजर आएंगे आपको, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन लोगों का दिखेगा, कोई ना कोई धर्म गुरु की जैसे बोलते हैं ना चरण पकड़ के लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। तो एक आम आदमी तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, इसका ये उन्नति का ही साल है, काफी लोग प्रोग्रेस करेंगे इस साल, हर्डल्स आएंगे क्योंकि इस साल जो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीरो और वन काफी डोमिनेट है, डोमिनेट करेंगे पूरे साल, और जीरो और वन जब डोमिनेट करते हैं तो काफी सारे रुकावटें आती हैं और उन रुकावटों से हमें पता नहीं होता कि हम निकले कैसे, पर जो संयम से काम लेंगे उन रुकावटों से आसानी से निकल पाएंगे और उन्नति की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल, और किन लोगों के लिए ये साल खास माना जा सकता है? ये उन लोगों के लिए साल अच्छा माना जा सकता है जिन्होंने 2010 के जाते जाते कुछ अच्छा फ्लो देखा अपनी लाइफ में, और उन लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा जो लोग काफी ज्यादा रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होंगे, यानी कि आपको धर्म का साथ देना ही होगा टाइप्स, बिकॉज एक चीज और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2012 ये माना जाता है कि काफी ज्यादा डिफरेंट तरीके से आपकी चेंजेस आएंगे, अब्रप्ट चेंजेस आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि 2011 एक अकेला साल होगा जब आप डाउनवर्ड जाते हुए किसी को देख सकेंगे, 2012 में चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हो जाएंगे, तो एक ही साल बचा और वो साल आपके लिए जो भी डाउनवर्ड डिफिकल्टीज आने जो भी है वो इसी साल आके खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो सबसे खास बात यह है कि तरक्की तो देखने को मिलेगी लेकिन कुछ लोग हो सकता है नीचे की तरफ भी जाएं, और आप कह रही हैं कि ये सिर्फ लेकिन इसी साल की है, 2011 के लिए ही है, इसी साल की ये बात है। बिल्कुल, और बाकी लोग जान सकते हैं कि आपके लिए 2011 कैसा रहे।